नमस्कार दोस्तों, मोदी अपनी योजनाओं से 2019 में सत्ता की बाजी पलटने के लिए तैयार है। जल्द ही जनता के कटघरे में एक बार फिर मोदी के भविष्य का फैसला होगा। बीते वर्षों में मोदी सरकार ने लोगों का दिल जीता तो, लेकिन कुछ मामलों में जनता सरकार से रुष्ट भी हो गई। और कहीं ना कहीं कोई जनता भी ऐसी भी है जो अभी भी मोदी से नाराज है। ऐसे में भाजपा के पास चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर जनता या सरकार विकास से मुंह नहीं मोड़ सकती है। अगर सिर्फ जाति धर्म से ही चुनाव का फैसला हो जाता तो भाजपा 2014 में पूर्ण बहुमत से नहीं आती। भारतीय चुनाव में जाति हावी रहती है और इसका प्रभाव सीमित है। आज के तेज भागते समय में 2019 में भी असली युद्ध विकास के मुद्दे पर ही होगा। आगामी आम चुनावों में भाजपा की कोशिश बीते 5 साल के दौरान शुरू की गई योजनाओं की सफलता पर है और सत्ता में कायम रहने के बाद होगी। वैसे केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के आंकड़ों को अगर देखें तो पता चल जाएगा कि 2019 में ये योजनाएं भाजपा को फिर से सत्ता दिला सकती हैं। सबसे पहले चर्चा मोदी सरकार की मुद्रा योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल द्वारा छोटे और मध्यम कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज देने का प्रावधान है। ये कर्ज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में छोटे कारोबार को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस योजना का लाभ 3 साल के दौरान 12.27 करोड़ लोगों को दिया जा चुका है। इसके बाद आती है उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों को बिना किसी सिक्योरिटी राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। इसके लॉन्च होने के बाद 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के का जो लक्ष्य है उसका रिकॉर्ड बनाया गया। 28 महीनों में ही ये जो लक्ष्य है वो पूरा कर दिया गया था। तीसरे नंबर पर आती है आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर का प्रावधान किया गया है। योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 से 2015 से 2017 से 2018 तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1.07 करोड़ पक्का मकान तैयार कर लिए गए हैं। चौथे नंबर पे है शौचालय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य तय किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रूपए देने का प्रावधान है। और अंत में बात करते हैं जनधन योजना की। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय वाले जो परिवार हैं, उनको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के तहत गरीब नागरिकों को सेविंग अकाउंट जो होगा उसके साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं जो भी हैं, उनसे जोड़ा गया है। अगर इन योजनाओं के लाभार्थियों को भाजपा के पक्ष में मान ले तो 2019 में मोदी को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो एक ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं भारत में इन 5 सालों में कि जनता को उसका बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। और जो कम आय वाले लोग हैं या फिर गरीब परिवार के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है। चाहे हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें या फिर हम उज्ज्वला की बात करें या फिर हम किसी और योजना की बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हर एक तरीके से जनता के भले के बारे में सोचा है और जनता का योजनाओं के द्वारा बहुत ही ज्यादा भला किया है। तो देखते हैं 2019 से पहले क्या क्या आंकड़ों में चेंज आता है या फिर क्या क्या योजनाएं सामने आती हैं, जिसकी वजह से इतना तय है कि 2019 के चुनाव में मोदी को लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि मोदी ने जो भी काम किया है इतने सालों में वो जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम है और जनता उस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश है। यही एक रीजन है कि हर एक राज्य में जनता जो भी है
जितनी भी नाराज हो मोदी से इतनी ज्यादा नाराज नहीं है कि मोदी को उनका वोट ना मिले। कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी वजह से मोदी से जनता नाराज है, लेकिन इतनी नाराज नहीं है कि उनको वोट नहीं देगी या फिर उनको प्रधानमंत्री के पद पे दोबारा से नहीं बिठाएगी। तो देखा जाएगा कि 2019 के चुनाव में क्या होता है, जो मोदी के पक्ष में जनता वोट देती है या फिर नहीं देती है। अगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर 2019 में जनता उनको अपना वोट नहीं देती है तो उनके विकल्प में कौन सा चेहरा जनता को दिखता है कि वो देश को संभाल सकता है या फिर वो पीएम पद के लिए बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने भविष्य में आने वाला है। तो हम जल्दी लौटेंगे इलेक्शन से जुड़ी या फिर कोई भी पॉलिटिकल न्यूज लेकर। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।